तो मैंने गाड़ी का सनरूफ खोल दिया बिकॉज शायद अंदर गाड़ी में एडिट कर रही थी, पूरी गाड़ी चिल्ड हो गई यार अंदर से। जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा, कल जब सोरन पाजी सब लोग आए थे तो लिटरली मैंने 4 घंटा बिताए ये प्लान करने के लिए कि किस तरह जाना है। एंड में तो ये डिसाइड हो गया कि हम लोग फ्लाइट से जाएंगे मनाली, वो भी कैंसिल हुआ। फिर रोड ट्रिप का प्लान किया, फिर अभी भी मुझे खबर मिली कि शायद जयपुर दिल्ली हाईवे पे थोड़ा प्रोटेस्ट चालू है तो रास्ता बंद है, लेकिन फिर कोई बोलते कि रास्ता खुला हुआ है, तो आई डोंट नो। वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो प्लान ये है कि मन के अंदर कोई भी प्लान नहीं है, बस निकल जाना। हाँ, बाइक से जाना है, गाड़ी से जाना है, फ्लाइट से जाना है, वो अपन लास्ट मोमेंट पर डिसाइड करेंगे। लेकिन एक जगह है कि नॉर्थ में कहीं तो भी जाना है, जहाँ पर भी गाड़ी या फ्लाइट या बाइक लेके चले जाए अपने को। अब नॉर्थ जा रहे हैं तो वहाँ पर ठंडी बहुत है, तो अपन है मुंबई से अपने को लगेंगे नए कपड़े और जैकेट, तो उसकी शॉपिंग के लिए अपन जाते हैं। पहले जैकेट जो कपड़े लेके आते हैं और फिर मैं बाद में कंटिन्यू करता हूँ कि एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ, तो डिसाइड भी हो जाएगा है कि नहीं। अगर एक उठता हो कैमरा मुझे फॉलो करता ना तो मैं आपको बता सकता कि क्या खतरनाक दिखता। तो आई वेंट टू जैक एंड जोस, थोड़ी बहुत नॉर्थ के लिए शॉपिंग की, एंड देन फाइनली हमने गाड़ी, ये वाली गाड़ी नहीं, ये वाली गाड़ी, तो अभी स्विच करेंगे सामान, उसको अंदर रखेंगे और फिर जाएंगे। एंड ओ माय गॉड, मैं और शानिस थे, मैं हैप्पी बने बोला मैं आता हूं, और फिर सोरन भाजी ने सरप्राइजिंगली बोला कि मैं आता हूं, बिकॉज उनका तो पूरा कैंसिल हो गया था कि वो सपोज कम बाई फ्लाइट, देन ही वाज लाइक अकेला क्या मतलब, बस गाड़ी में आ जाता हूं। वो 2-3 सूटकेस लेके आए, अभी स्विच में भी डाल रहे हैं, जो एयर फिल्टर चेंज करते वो भी, वो बंद करके जाऊंगा मैं, इतने दिन चालू रखना था, हो गई ढेर सारी बात, वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन। तो जब घर में कोई है नहीं तो फिर चलो के मतलब क्या, सेव इलेक्ट्रिसिटी। मैं तो सही टाइम पे निकल गया, लेकिन गेस व्हाट, हु इज लेट, दिस इज सोरन पाजी, जिनको पहुंच जाना था अभी तक मलाड, बिकॉज़ वी वर सपोज्ड टू मीट इन मलाड। हैप्पी भाई रेडी है, शानिस इज रेडी, आई एम अबाउट टू रीच, लेकिन सोरन पाजी गोइंग अगेन ऑन टॉप जी, कॉफी फॉर मी। तो अभी सोरन पाजी, हैप्पी भाई लेट हो गए, तो इन द मीन टाइम आई लर्न्ड समथिंग, एक चीज रियलाइज की कि अगर हाईवे पे टायर पंचर होता है, वैसे तो नहीं होगा, और होगा तो भी अपन जुगाड़ ढूंढेंगे, बट फिर भी अगर जुगाड़ नहीं मिलता है तो स्टेपनी निकालना जो आना चाहिए। अभी यूट्यूब वीडियो में सीख रहा था कि स्टेपनी को निकालते कैसे, फिट तो करना वो हो जाएगा कुछ ना कुछ करके, और अभी सामान कुछ ऐसा लग रहा है। तो अभी सोरन पाजी का सूटकेस आएगा, हैप्पी भाई का आएगा, और ये जो सॉफ्ट बैग है ये उनके ऊपर आएगा, एंड फॉर्चुनेटली बूट जो है वो बंद हो जाएगा। एकदम बोलते हैं ना सबको, एकदम बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास वाला लाउंज वाली फीलिंग आनी चाहिए। सब मैंने पिलो विलो एकदम क्लीन विन कर दिया है, देखो साइड में मैंने एकदम बॉटल्स भर दी हैं, हर डोर में सिवाय ड्राइवर को छोड़ के बॉटल्स भरी हुई है। टेक्निकली हम लोग को 11:30 को मलाड छोड़ देना चाहिए था, बिकॉज मुझे जो अहमदाबाद है सुबह 6-7 बजे लेट में लेट पहुंचना है, बट राइट नाउ इट्स 12:06, सोरन पाजी सेट ही शुड बी रीचिंग हियर इन हाफ एन आवर, नो 12:30, 12:45 को भी 1 बजे तक भी निकलता, ब्रेक थोड़ा कम लेना, जा रहे हैं तो घाई नहीं करते, अच्छे से जाते। मोटरसाइकिल होती तो मुझे टेंशन नहीं होता, गाड़ी में जो टेंशन है, बट एक चीज़ बहुत अच्छी है कि मी, हैप्पी भाई एंड सोरन पाजी, वी ऑल आर ड्राइवर्स, मतलब हम गाड़ी चला सकते हैं, सो शानिस इज एक एक्सेप्शन। ओके, सो वी आर कम्प्लीटली रेडी, शानिस इज ऑल्सो फुल रेडी विद द ब्लैंकेट, सोने की पूरी तैयारी है, सोरन भाजी और हैप्पी भाई बस ऑलमोस्ट हियर, एंड राइट नाउ इट्स 12:40, मुझे लगा था 12:30 तक आ जाएंगे, बट बोला हमको तो अच्छा लगा, समझ में नहीं आया पर अच्छा लगा, भाई ने बोला मतलब कुछ सोच समझ के बोला रहेगा, अपना कनेक्शन ही कुछ ऐसा ऑडियंस के साथ। साढ़ा टाइम टाइम मेरा टाइम कुत्ता। ओके, सोरन भाजी लिटरली एक नया जूता खरीद के लाए, डब्बे के साथ अंदर रख रहे थे, मैंने ये डब्बा निकलवाया यार, अभी देखो ऐसा कुछ दिख रहा है, जूता भी निकलवा दिया, वो मैंने नहीं बोला, आपने निकलवाया, अभी देखते हैं ये श्री राम बंद होता है कि नहीं, बंद होता है कि नहीं, बंद होता है कि नहीं, अरे हो गया ना, हो गया, लाइट चली हो गया, Q7 अभी पीछे नहीं दिखेगा लेकिन मेरे को, बट ठीक है अपन काम चला लेंगे। ये देखो क्या हाउसफुल हो गया है पीछे, एकदम टाइट बट कंफर्टेबल ना, एकदम सुपर। तो साइड पॉकेट में आपको बहुत सारी बॉटल मिलेगी पीने के लिए, पिलो है जो इसके नीचे दबा हुआ है सोने के लिए, और क्विल्ट का है, क्विल्ट सॉरी सर दैट इज बिजनेस क्लास ओनली, फर्स्ट क्लास यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट, निकले चलो सर, चलो भाई गणपति बापा बोले सोनियाल सासरियाकाल, 12:55 इन द नाइट एंड वी आर ऑफिशियली लीविंग फॉर नॉर्थ, और आगे का जो व्लॉगिंग है वो निखिल के चैनल पे देखना दो। तो हैप्पी भाई मुझे रोज चिक्की दे रहे, रोज चिक्की बताओ जरा, उस गोल्ड चिक्की, ओह क्या बात, फूड खाना का एक्सप्रेशन दिया, किसका दिया मुझे, चॉकलेट बटर कर दिए, एंड एवरीबॉडी स्लीपिंग।
सो वी हैव क्रॉस्ड वी आर क्रॉसिंग सूरत राइट नाउ और सब लोग उड़ गए हैं. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. गुड मॉर्निंग. एक डेढ़ घंटे का सब लोगों ने जो है पावर नैप ले लिया है. अभी अचानक एक उठा फिर दूसरा उठा फिर तीसरा उठा बातें चली सब एकदम फ्रेश हो गए. अभी सबको लगी भूख को तो जब से मुंबई से निकला तब से हल्की हल्की सुसु आ रही है. मैं बोला चलो इन लोगों के लिए मैं रुकता नहीं गाड़ी और जितना हो सके खींच लेता हूँ. तो अभी 3 घंटा 20 मिनट हुए और 252 किलोमीटर क्रॉस किया अपन ने. मतलब कुछ भी हमको लेके कहाँ जा रहे हो आप सर? लेके नॉर्थ. ओहो बाहर मस्त ठंड है यार. ट्रेन से रुकते ना जब ट्रेन से ट्रैवल करते एकदम वैसी वाली फीलिंग आ रही है ना. आई ना फील. और अभी मैं रिवर्स ले रहा था गलती से मैंने कचरा पता नहीं सेंसर ने डिटेक्ट कैसे नहीं किया हल्का सा टच किया बट कोई नहीं. प्लास्टिक का डब्बा है तो कोई सोचने का जरूरत नहीं. अभी वॉशरूम ब्रेक लेंगे सर जी कुछ खाएंगे उसके बाद अपन. हाँ चुच्चू चुच्चू. इज इट स्टिल हॉट? वेरी. अरे वाह सही है. 3.5 घंटे के ऊपर हो गए अभी भी हॉट है. क्या मिल रहा है अभी भाई खाने को? रीजन बताता हूँ कि मैं यहाँ पर रुका क्यों. टेक्निकली रुकने का प्लान था जैसे ही मुंबई वो नीरा रोड क्रॉस करो रुक जाने का खाने का. लेकिन फिर सब लोग चिक्की विक्की खा के सो गए और मेरे सब सो ही गए तो मैं मौके का फायदा उठाता हूँ तब तक गाड़ी नहीं रुकता जब तक कोई उठे ना. अभी क्या हुआ वापी जब भी मैंने गुजरात बॉर्डर क्रॉस किया मतलब गुजरात में एंटर किया उसके बाद एक क्रेटा वाला कब से आजू बाजू ही घूम रहा है. एंड ऐसा है कि वो मैं तेज चला था तेज आता है फिर पीछे हाई बीम लो बीम मारता है ओवरटेक करता है और फिर मैं स्लो जाता हूँ तो वो भी स्लो हो जाता है और बाद में वो कट मार के आगे जाता है. वेरी रैश ड्राइविंग. और चलो बंदा 10 किलोमीटर करता है 20 किलोमीटर करता है 40-50 करता है 170 किलोमीटर उसने यही चीज़ किया है. सोचो मेरा दिमाग का खाना रहेगा लेकिन बिकॉज दे वॉज स्लीपिंग आई वॉज ड्राइविंग नाइसली. मैं कुछ ज़्यादा रेकलेस ड्राइविंग नहीं की. अभी जब उठे उसका पीछा छुड़ाने के लिए थोड़ा तेज़ चलाया मैंने बट ही वॉज ड्राइविंग सो फास्ट कि मतलब मैं खुद डर रहा था उतना तेज़ चलाने के लिए. टोल नाका में रुक जाता है जब मैं आता हूँ तब चलता है. मुझे सब्सक्राइबर रहेगा बट इज नॉट सब्सक्राइबर. क्या मालूम किस तरह की ड्राइविंग कर रहा था. हमने कहा कि अभी जब सब उठे तो मैंने मौके का फायदा उठाया टोल नाका उसके फटा से गाड़ी इधर घुसा दी और वो आगे निकल गया. अब या तो उसको लग रहा है कि मैं आगे हूँ तो तेज़ चलाएगा उसको लग रहा है पीछे रुक गया हूँ वो रुक जाएगा वेट करेगा. प्रॉब्लम ये कि ऐसा करते टाइम ना डर लगता है कि भाई कोई चोर नहीं कुछ नहीं क्या मालूम बंदू वंदू लेके किसी का टाइम पास करना रहेगा उसका सपना रहेगा ऑडी लेने का गड्ढा ले लिया और बोलता हर ऑडी को तंग करूँगा क्या पता. पर वो जो बंदूक वाला वो मेरे दिमाग में भी आया. हम दोनों क्राइम हाईवे पे बहुत काम. ये हाईवे पे नहीं होता है वो अंदर अंदर होता है. इज इट फ्रेश? एकदम गर्मा गर्म फ्रेश एकदम. अरे तो मैंने गाड़ी का सनरूफ खोल दिया बिकॉज शायद अंदर गाड़ी में एडिट कर रही थी. पूरी गाड़ी चिल्ड हो गई यार अंदर से. फिर गाड़ी में बैठा बिकॉज बाहर ठंडी थी और अंदर भी ठंडा है बिकॉज इसकी वजह से. बट अभी चलो कर रही है तो क्या कर रहे हो सोरन भाजी? गाड़ी में जगह नहीं है अब चिक्की पे. चिक्की का क्या शौक आया सोरन भाजी को? सीख चला लिया. हैप्पी में थोड़े बाबा रामदेव नहीं दिख रहे थोड़े योगा से ही होगा. अभी 5 बज गए ऑल सेट गाइस. अभी आप लोग सो जाओ मैं गाड़ी चलाता हूँ और जब भी मैं रुकूंगा तब बिकॉज आई वांट टू कॉन्सेंट्रेट बिकॉज 5 in the morning और ये टाइम पे जो भी लफड़ा होता है होता है और शाइनी एडिटिंग भी कर रही है. जो भी लफड़ा होता मतलब बड़ोड़ा पहुंच गया हूँ. एक्चुअली बड़ोड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे अप्रोच करने वाला हूँ. थैंक गॉड मुझे अभी तक नींद नहीं आई है सब लोग अच्छी तरीके से सो रहे हैं और यही मैं चाहता था कि सब लोग आराम करें और मैं चुपचाप गाड़ी चलाता रहूँ. मुझे एक्चुअली भूख लगने लगी है बिकॉज मैंने अपना डिनर नहीं खाया है. एक काम करेंगे अहमदाबाद पहुँच के थोड़ा खाना पीना करेंगे. तो अभी मैं NH1 पे फोकस करता हूँ और मुझे ज़्यादा व्लॉग करके किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है. जब जब मैं फास्टैग के लेन में घुसा तब तब मेरे आगे एक ट्रक वाला रहा है जिसके पास फास्टैग नहीं है और वो पैसे देने के लिए रुका है और सब लोग जाते रहते हैं और मैं रुका रहता हूँ. क्या किस्मत. अरे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. सो राइट नाउ इट्स 8:20 in the morning. सब लोग अपनी नींद से जाग गए हैं और अभी सबको लग रही है भूख और मुझे आ रही है अभी भी चलाने को मजा. गांधीनगर जो है हम लोग क्रॉस कर रहे हैं as you can see in this वाला मैप. अभी तक हम लोगों ने कर लिए 528 किलोमीटर. बाहर 17 डिग्री टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा ठंडा है मज़ा आ रही है. बस वेट कर रहे हैं कुछ अच्छा रेस्टोरेंट या कुछ भी आ जाए जहाँ पर रोक के खाए पिए चाय वाय पिए और चैनल वी जाए. हैप्पी भाई हैप्पी मैंने कुछ नया सिखाया चैनल वी और चैनल वी बोलता है चैनल वी. ओके ओके चैनल वी 42 नंबर. सी नंबर 1 इज सुसु नंबर 2 इज लाइक 2 fingers. सर प्लीज बोलो बोलो बोलो. कुछ भी नहीं है. तो चैनल वी को रोकने के लिए सोरन बज का एक मंत्र है सर बोलो ना मंत्र. शेर भाई मेरी पॉटी को रुका लो. कितनी बार बोलना है? कितनी बार बोलने का? 5 बार आफ्टर एवरी 3 मिनट 3 बार. ओके तो हैप्पी जी की चैनल वी रुक जाएगी. अच्छा
अच्छा हैप्पी जी की चालनी रुकेगी मतलब मैं अमेरिका की स्टोरी आप पे लिखी गई है और मैं बलि का बकरा। और जो रूट मैंने लिया है वो कुछ नया ही रूट है, मैंने फर्स्ट टाइम लिया है, गूगल मैप लेके आया मेरे को, आई थिंक दिस इज अ न्यू रूट, पूरा खाली था। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं अहमदाबाद का तो उंजा लेते हैं, उंजा मेहसाना फिर अपन माउंट रोड में करेक्ट होता है, लेकिन इस बार कुछ और ही रूट लिया जो कि मुझे सीधा अभी जो है ये दिख रहा है पालनपुर, तो सीधा मुझे पालनपुर रोड पे कनेक्ट किया, मतलब माउंट अबू 36 किलोमीटर बाद सीधा माउंट अबू रोड चालू हो जाएगा। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल रोड, अभी नेक्स्ट टाइम कभी भी बाइक से आऊंगा तो मैं रूट लेना पसंद करूंगा। सिंपल है, अहमदाबाद से आप राइट मारो, गांधीनगर डालो और वहां से आप गूगल मैप के हवाले छोड़ दो नॉर्थ अंबाजी। अभी आपको सर आपका ढाबा मिलेगा, कब से खाया नहीं है। हम लोग अंबाजी में आए हैं, ये जगह अंबाजी टेम्पल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, अभी भी काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो यहाँ पर जो है लाइन लगती है और इन सबको आई कैन अंडरस्टैंड योर हंगर इज गोइंग आउट ऑफ द लिमिट बट यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, वी विल वेट। तो ये जो अंबाजी टेम्पल का है, अंबाजी टेम्पल का, एंड फाइनली वी डिसाइडेड टू स्टॉप, इट्स 11 o'clock इन द मॉर्निंग, 20 डिग्री सेल्सियस, माउंट अबू रोड पे है। ओहो, और कितना किलोमीटर किया हम लोग? 740 किलोमीटर, उससे ज़्यादा हुआ। तो अभी डिसाइड ये हो रहा है कि सुबह का टाइम है, सबको फ्रेश होना है, वॉशरूम यूज़ करना है, तो ये जो होटल में हम लोग रुके हैं यहाँ पर एक रूम ले लिया एक घंटे के लिए 500 rupees में, यहाँ पर हम वॉशरूम यूज़ करेंगे और रूम के अंदर खाना ऑर्डर करके खा के निकल जाएंगे। दिस इज एक्चुअली ग्रेट आइडिया, फ्यूचर में मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा, अभी हैप्पी बाइक आइडिया ये। तो ये रही हमारी गाड़ी और ये रहा हमारा छोटा सा होटल, 500 rupees का, 500 rupees के लिए अच्छा है यार, 500 rupees के लिए रूम 1200 का है, टॉयलेट के लिए 500। अच्छा रूम 1200 है और एक घंटा टॉयलेट के लिए 500 rupees, एग्रीकल्चर इज देयर बिहाइंड। हाउ इज द वॉशरूम, क्लीन? नाइस। पानी का प्रेशर है मतलब जेट स्प्रे, या सही बोला आपने। तो गाइज एक काम करते हैं, ये वीडियो को जो है यहीं पर खत्म करते हैं, बिकॉज बेटर रहेगा क्योंकि अभी कभी मैं यहाँ बैठ के वीडियो एडिट करूंगा, वीडियो डाल दूंगा एंड देन अगले वीडियो में आप देखोगे हम एक्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं, सस्पेंस तो बनता ना गाइज। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल हियर, इफ यू एंजॉयड दिस ब्लॉग फॉर व्हाटएवर रीजन, यहाँ तक देखने के बाद लाइक का बटन दब जाना चाहिए। विद दैट सेड, एज ऑलवेज शुक्रान, अलविदा, मा सलामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट, आवर लवली फ्रेंड्स। आपने नहीं बोला जो पूरा बोलो, पूरा बोलो, रियल शुक्रान, अलविदा, हैप्पी बाय को मैं अगले ब्लॉग के लिए सिखाऊंगा। See you, okay? Bye bye. Shabba Garadi is amigos. Grow up नहीं करेंगे। तो मैं जो शॉट ले रहा था ना, तो मेरे देखो ट्रैक पैंट में मेरे टायर का धब्बा लग गया। ये पूरी मिट्टी हो गई। शायद बोलती शी निकल करो आप। अरे इसमें ग्रो अप होने का क्या है? वाह! ये चाय पी रहे? वाह, the hot water. अरे अरे hot water.